सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 29 अगस्त 2019 थर्सडे है, सुबह के 7:58 हो रहे. आज जैसे कि मंथली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी का दिन है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है आज. कल एक्सपायरी के एक दिन पहले कल हमने निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, तो आज एक्सपायरी का दिन है तो काफ़ी उथल पुथल हो सकता है. सो जो फ्रेशर्स हैं वो अवॉइड करें आज के लिए ट्रेडिंग करना. तो तीन दिन के तेजी के बाद एक छोटा करेक्शन देखने को मिला है निफ्टी इंडेक्स में. 100 पॉइंट की गिरावट, एक ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का जंप देखने को मिला था निफ्टी इंडेक्स में हमें. तो अभी क्या नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लिए, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 20 अगस्त 2019 आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो कल के ये प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,147 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,075. तो जैसे कि ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स यहाँ इन दो लेवल्स के बीच में ओपन हुआ और फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर एक ब्रेक डाउन लेवल के एग्जैक्ट इसके पास सपोर्ट टेस्ट किया और एक बाउंस बैक हुआ. और उसके बाद जैसे ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 11,054 ये यहाँ पर अचीव्ड हुआ. काफ़ी देर इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया, हालांकि ये सपोर्ट भी इसने ब्रेक कर दिया और हमारा सेकंड टारगेट जो था 11,014 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 37,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. जल्दी ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक हरे निशान के साथ बंद हुए. डाउ जोन्स करीब 258 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट की बात करें तो लंदन मार्केट में दो दिन के गिरावट के बाद कल एक पॉजिटिवनेस देखने को मिला और हल्के से बढ़त के साथ बंद हुआ. हालांकि फ्रांस और जर्मन मार्केट थोड़ा सा निगेटिवनेस के साथ भी यहाँ पर बंद हुए. और एशियाई मार्केट देखे तो आज निक्केई और चाइना मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में ट्रेड कर रहे हैं, लाल निशान दिखाई दे रहा है. और डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी 77 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है. एसजीएक्स निफ्टी भी 35 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा अभी इस समय फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है, खासकर एशियाई मार्केट में. तो आज निफ्टी इंडेक्स में क्या होगा ये आइडेंटिफाई करेंगे, इंट्राडे लेवल्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. लेकिन उससे पहले जो सिमिलर अदर इंडेक्सेस है, निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स हो या मिड कैप इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो, ये थोड़ा टेक्निकल इसका एनालिसिस करते हैं कि अभी यहाँ पर चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, अगर तेजी है तो कहाँ पर हर्डल्स है ये थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे. सबसे पहले ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, डेली चार्ट. तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जब ये फाइनेंस मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ फ्राइडे को, उसके बाद यहाँ से तेजी आई थी. ऑलमोस्ट यहाँ से तीन दिन की तेजी के बाद कल ये एक करेक्शन देखने को मिला. तो टेक्निकली देखें तो यहाँ पर ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है ये यहाँ पर हर्डल का काम कर रहा है बैंक निफ्टी इंडेक्स में. तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें अपसाइड रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है. बैंक निफ्टी में यहाँ पे 20 EMA का हर्डल है. निफ्टी इंडेक्स में अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पर ये निफ्टी इंडेक्स भी ये 20 EMA को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था. हालांकि कल ही उसने यहाँ से ऊपर एक जस्ट इसके अबव क्लोज दिया था, लेकिन कल फिर से इसके बाद इस 20 EMA के लाइन के नीचे जस्ट आके क्लोज हुआ है. तो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये 20 EMA का हर्डल बना हुआ है. चलते स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट देखते हैं. निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है. इसमें भी आप देख सकते हैं तेजी आने के बाद ये यहाँ पर 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसी के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. इसके ऊपर
क्लोज होना काफी जरूरी है ताकि यहाँ से हम अपसाइड रैली जो है वो कंटिन्यू यहाँ से देख सके। तो फिलहाल अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 20 EMA का। मिड कैप इंडेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। इससे क्या होता है, ओवरऑल मार्केट का एक व्यू पता चलता है कि कहाँ पर हर्डल फेस कर सकता है, और ये हर्डल जो है वो काफी क्रूशियल है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का ये हर्डल है, इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये यहाँ से एक कंफर्मेशन, एक उम्मीद जा सकती है कि यहाँ से अपसाइड मूव आ सकती है। तो मिड कैप इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं कि ये जो डाउनफॉल है, सेम निफ्टी में जहाँ से ये डाउनफॉल चल रहा है वहां से ये मिड कैप इंडेक्स में भी ये डाउनफॉल चल रहा है, और 3 दिन के तेजी के बाद यहाँ पर भी 20 EMA को ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा। तो अभी फिलहाल मोस्ट ऑफ द इंडेक्स में 20 EMA एक मेजर हर्डल बन चुका है, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ से टेक्निकली कह सकते हैं कि अपसाइड मूव यहाँ से आ सकती है। फिलहाल अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो ट्रेड वॉर के वजह से काफ़ी टेंशन है फंडामेंटली, लेकिन टेक्निकली देखें तो यहाँ पर ये जो हर्डल्स है इसको अगर ये पार करता है तो हमें यहाँ से सिग्नल मिल सकता है कि यहाँ से अपसाइड रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो निफ्टी का एनालिसिस शुरू करते हैं, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि लास्ट 4-5 वीडियो से हम बता रहे हैं, ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है और ये नीचे 100 EMA का ये जो ग्रीन लाइन है, इसके बीच में ये कंटिन्यू, अभी ये 5th वीक है, इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो एज पर वीकली चार्ट यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी इसे ऊपर अगर जाना है तो 11,200 को ये कंफर्टेबली पार करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है, तो ही निफ्टी इंडेक्स में हमें यहाँ से टूवर्ड्स अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अभी कल यहाँ पर फिर से एक बार इसने ये 20 EMA के ऊपर, जहाँ पर ये ट्यूसडे को इसके ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन कल इसने फिर से इसको एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की और जस्ट 20 EMA के नीचे ये क्लोज हुआ है। 20 EMA 11,053 के पास है और कल का क्लोज 11,046 के पास है, और नीचे इसने एग्जैक्ट लो, ये जो 23.6 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था यहाँ पर इसने एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया है, और फिर से एक छोटा सा एट द एंड ऑफ द मार्केट सेशन ये थोड़ा सा रिकवर होके ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो अभी ये इस लेवल के नीचे 10,983 के नीचे अगर क्लोज होता है और यहाँ पर अगर स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक अगर क्रिएट होती है तो हमें फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूवमेंट दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये है अभी डेली चार्ट का सीनरियो। 20 EMA के ऊपर यहाँ पर कोई डिसीजिव मूव आता है और 11,200 को कंफर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव का कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सीनरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसे 4 आवरली चार्ट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ, 4 आवरली चार्ट यानी 240 मिनट्स, तो यहाँ पर अगर मैंने इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर एक पैटर्न, एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है, कैसे, ये इसका हो सकता है लेफ्ट शोल्डर, ये बन सकता है हेड, और अभी इसका राइट शोल्डर बन रहा है। अगर यहाँ से फिर से टूवर्ड्स अपसाइड मूव आता है तो यहाँ पर ये राइट शोल्डर यहाँ पर बन जाएगा, और फिर इसका नेक लाइन होगा, ये इसका नेक लाइन होगा, और जब ये इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो ये सुपर बुलिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो जैसे ये ब्रेक करेगा तो हमें इस हेड का जितना हाइट है, ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का हाइट है, तो यहाँ से लगभग हमें ऊपर 400 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अगर ये पैटर्न यहाँ पर क्रिएट होता है तो। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पर होगा ये कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा हुआ और नेक लाइन का ब्रेकआउट मिला तो हमें यहाँ से और भी टूवर्ड्स 400 से 500 पॉइंट की यहाँ से जंप देखने को मिल सकता है निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा पैटर्न बन सकता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। फिलहाल
आर्ली चार्ट में चलते हैं आज के लिए, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है, तो अगर निफ्टी इंडेक्स टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का बुलिश कैंडलस्टिक है इसका अगर हाई ब्रेक करता है यानी 11,064 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर इंट्राडे के लिए बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,091, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,121, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सपोर्ट लेवल्स है, ये मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट लेवल्स है 20, 50 और 100, उसके बाद S1 का भी पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है सपोर्ट का, तो इन लेवल्स को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, टोटली ब्रेक करने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम क्लियरली यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। यानी 10,979 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर सेल पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक क्विकली छोटा सा 10,955 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,925, यह हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स आज के लिए। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।